नताशा, आज तेरा बर्थडे है, बोर नहीं होना चाहिए, कुछ प्लान करते हैं ना। चलो बाहर लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं। हाँ गाइस, यार तेरे सारे प्लान रात को ही क्यों बनते हैं? गाइस मेरे पास एक आइडिया है, कल ना हम सब गोवा चलते हैं, बहुत मस्ती करेंगे, धूम धड़ाका करेंगे गाइस, रियली ट्रस्ट मी। गोवा सेड, लव यू यार। हाँ अब कोई और प्लान नहीं, हम लोग गोवा जा रहे हैं, ठीक है? वाओ गोवा, आई एम इन। ओके डन। से व्हाट मनीष? ए यार चलने को तो कभी भी चल जाएंगे, पहले बड्डी गर्ल से पूछो करना क्या उसे। हाँ हाँ यार, ए नताशा चलेगी ना? नताशा तेरा बर्थडे तो सैड क्यों है, तो चल रही है ना? क्या हुआ, सैड क्यों नताशा? तू इतनी अपसेट क्यों है, क्या हुआ है? हाँ? मनीष ने कुछ बोला तो मुझे बता, मैं क्लास लेता हूँ उसकी। नहीं बनाना था। मैं कोई क्लास नहीं ले रहा, तू बता। चलना पड़ेगा। ओके प्लान मैंने बनाया यार। सिड मैं बोल तो रहा हूँ, इसको मान ही नहीं रही। नताशा को हो क्या गया है? देवी इज एवरीथिंग ओके? मनीष मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। हाँ बोलो देवी। मनीष मैं शायद जानती हूँ कि वो लड़का कौन है जो मुझे परेशान कर रहा है। कौन है वो? कल मिलकर बताती हूँ। हे गाइस, हम सब भी हैं यहाँ पर। ये क्या पर्सनल चैट करने आए हो यहाँ पर? तुम लोगों को अगर अकेले में चैट करनी है तो हम लोग जाएं। इट्स ओके यार। Guys, I think Dad आ गया। उनका डिनर मैंने प्रिपेयर करना है, so 15 मिनट में बात करें प्लीज। Guys, मुझे लगता है हमें भी 15 मिनट। Guys, मेरा फोन आ रहा है, मैं बात करती हूँ। जल्दी आना। पापा, बेल किसने बजाई? पापा तो दिख नहीं रहे। तुम? क्या हुआ? इसके वासी? सर चाकू मारा। न जाने किसकी क्या दुश्मनी थी, उसने तो कभी किसी का दिल तक नहीं दुखाया, और उसके अशोक जी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। आप बता सकते हैं क्या हुआ यहाँ पर? सर वो हम नताशा के साथ वेबकैम पे बात कर रहे थे, अचानक से ऐसा हो गया सर। मैंने तुरंत अंकल को फोन किया और हम सब यहाँ पे आ गए। कुछ मिला? कोशिश कर रहा हूँ सर। तुम सब लोग वेबकैम पर बात कर रहे थे, वीडियो चैटिंग कर रहे थे, तो तुमने कुछ तो देखा होगा वीडियो चैटिंग के दौरान। सर हम सब चैट कर ही रहे थे, इतने में नताशा के घर की घंटी बजी और उसने बोला कि पापा होंगे और वो चली गई। सर थोड़ी देर बाद चीखने की आवाज आई
और हम वापस वेबकैम पे आके देखे तो नताशा सर नताशा पूरी खून से लथपथ थी। वेबकैम में हमने देखा सर, वहां नताशा के अलावा और कोई नहीं था। तुम लोग वीडियो चैटिंग कर रहे थे, उसकी रिकॉर्डिंग तो होगी तुम सबके पास? सर रिकॉर्ड मोड ऑन ना हो तो वीडियो चैटिंग रिकॉर्ड नहीं होती है, तो हमारी किसी की भी वीडियो चैटिंग का कोई रिकॉर्ड नहीं है सर। चलो कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, आप सब लोगों के लैपटॉप्स या फिर कोई भी डिवाइसेस हैं जिससे आप लोग ये वीडियो चैटिंग वगैरह करते हैं वो सब हमें दीजिए, जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं होता वो हमारे पास रहेंगे, ठीक है? कुछ दिनों से नताशा को कोई परेशान किए जा रहा था। कौन परेशान कर रहा था? वो तो हम भी नहीं जानते, ना ही नताशा जानती थी। वो लड़का उसको मैसेजेस भेजता था और ईमेल्स भेजता था, और तो और सर रोजेस और लेटर्स भी आए थे। सर नताशा ने उस लड़के को ये भी बताया था कि मनीष उसका बॉयफ्रेंड है, फिर भी उसको परेशान किए जा रहा था वो। सर शायद नताशा को पता चल गया था कि वो लड़का कौन है, वो कल मुझे बताने वाली थी उसके बारे में। फिर सर हाँ बोलिए। सर नताशा के कमरे में से ये फूल मिले और ये जला हुआ कागज। कुछ कुछ लिखा हुआ है, बस इस कागज का केमिकल प्रोसेसिंग करके देखते हैं, पता लग जाएगा इस पर क्या लिखा हुआ है। करो, थोड़ा वक्त लगेगा, सड़क के टाइम नहीं है हमारे पास। करता हूँ। सर नताशा के खून के वक्त उसके पांचों दोस्त अपने अपने घरों में ही थे सर, और उन सबके घर अच्छी खासी दूरी पे हैं, किसी को भी पहुंचने में कम से कम आधा घंटा तो लगेगा ही। पर नताशा का खून हुआ उसके कमरे से बाहर आने के बाद ही, तो मुझे नहीं लगता है पांचों में से किसी ने उसका खून किया होगा। और सर वो स्टॉकर, उस अनजान आदमी के बारे में हमें कुछ पता नहीं चला, और ये बच्चे, इनकी चैटिंग की कोई वीडियो रिकॉर्डिंग भी नहीं है, खूनी के खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं है सर। और दया इसीलिए मैंने एक साइबर एक्सपर्ट को बुलाया इस केस के लिए, इन बच्चों के सारे कंप्यूटर जितने भी थे ना सब के सब भिजवा दिए उसके पास। साइबर एक्सपर्ट है कौन वो? रितु नाम है उसका, सीआईडी ऑफिसर रितु, मगर कुछ साल पहले एक ऑपरेशन के दौरान उसके पार्टनर की मौत हो गई। Thank you.
और फिर रितु ने सीआईडी के दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर ले लिया, सीआईडी साइबर सेल डिपार्टमेंट। अब रितु हमारी मदद करेगी इस केस में। फिर तो इस केस में साइबर एक्सपर्ट से काफी हेल्प मिल जाएगी सर। हाँ अभिजी, और इसीलिए इस ऑफिसर रितु को बुलाया मैंने। हाँ रितु। हेलो सर। बताओ बच्चों के कंप्यूटर से क्या पता चला? सर वीडियो चैट का रिकॉर्ड सर्वर पर नहीं होता है, इसलिए ये पता लगाना नामुमकिन है कि नताशा और उसके दोस्तों के बीच में उस वीडियो में क्या बातचीत हो रही थी या फिर उन्होंने उस वीडियो में क्या देखा। पर सर नताशा ने कुछ दिन पहले अपने फोन से सारे मैसेजेस और मेल्स डिलीट कर दिए थे, उसमें उस लड़के के भी मेल्स और मैसेजेस थे। कब? सर मैंने एक सॉफ्टवेयर की मदद से वो सारे मेल्स और मैसेजेस रिकवर कर लिए। एक्सेलेंट, गुड। सर ये देखिए, शुरू शुरू में उसे प्यार भरे मैसेजेस भेजता था, एक दूसरे नंबर से भी मैसेजेस भेजे हैं। और सर ये कुछ मेल्स भी हैं जो उसने भेजे हैं अपने आईडी से, और सर ये मेल उसने पिछले हफ्ते भेजा था। तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। ये तो ये सब एक ईमेल आईडी से आए हैं, तो हम पता लगा सकते हैं ना कि कौन से कंप्यूटर से भेजा गया है, उसके आईपी एड्रेस से? ईमेल आईडी एक ही है, लेकिन उसने अलग अलग कंप्यूटर्स का इस्तेमाल किया है मेल्स भेजने के लिए। और वो मोबाइल फोन? दोनों मोबाइल नंबर बंद है, इसलिए कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। चालाक है ये। तो जरा वो वाला मेल दिखाना, वो है ना कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की, वो वाला। जी आज तुम खूबसूरत लग रही थी, तुम्हारा परफॉर्मेंस सबसे बेस्ट था, तुम कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की हो, कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की। ये लड़का कॉलेज का ही कोई स्टूडेंट है, कॉलेज रोमियो है ये। अच्छा आप लोगों को किसी ऐसे लड़के के बारे में मालूम हो जो नताशा को परेशान करता था, उसका पीछा करता हो, नजर रखता हो? देखिए उससे एक मैसेज आया था, उसमें लिखा है कि तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो और तुम्हारा परफॉर्मेंस आज सबसे अच्छा था। ये मैसेज फ्राइडे को आया था, फ्राइडे को यहाँ पे कुछ था क्या? सर फ्राइडे को तो हम लोग रिहर्सल्स करते हैं। किस चीज़ के रिहर्सल? सर हमारे प्ले की रिहर्सल्स, और नताशा भी सर हमारे साथ रिहर्सल्स करती थी, इनफैक्ट वो तो हमारे प्ले की लीड थी। अच्छा वहाँ रिहर्सल में कौन कौन होता है? सर जितने भी लोग हैं प्ले में वो सब कुछ कॉलेज स्टाफ और कभी कभी कुछ स्टूडेंट्स आ जाते हैं रिहर्सल देखने के लिए। अच्छा अच्छा कभी तुम लोगों ने नताशा को परेशान देखा? कभी कुछ घबराई हुई या कभी अकेले बैठी हो कहीं? हाँ सर एक बार नताशा को ग्रीन रूम के एक ड्रॉअर में कुछ लेटर्स मिले थे, उसके बाद से वो बहुत अपसेट रहने लगी। ग्रीन रूम? सर रिंग डायमंड की? हीरे की अंगूठी? ये महंगी अंगूठी ड्रॉअर में रखा है। मनीष सर ये अंगूठी तुमने दी थी? नहीं सर इतना महंगा रिंग मैंने नताशा को कभी नहीं दिया, आई डोंट नो कहां से आई, शायद नताशा के डैडी ने गिफ्ट दी हो। आई डोंट थिंक सो, अगर उसके डैडी ने गिफ्ट किया होता उसे तो वो मुझे जरूर बताती। आप लोगों को इसके बारे में कुछ बताया था उसने? सर हो सकता है कि ये रिंग उस लड़के ने दी हो जो उसे मैसेज करता था, और ये रिंग डस्टबिन में फेंकने के बजाय उसने अपने पास रख ली हो। हो सकता है। सर ज्वेलरी शॉप का नाम लिखा है,
वर्धन ज्वेलर्स। ठीक है, वहां चल के पता करते हैं कौन है आशिक आवारा। सर ऐसी ही तीन अंगूठियां पिछले महीने हमारी दुकान से बिकी थी। तो ये उनकी डिटेल्स है आपके पास, किसने खरीदी? जी सर, वन मिनट। सर पहले कस्टमर का नाम लता जी है, इन्होंने 28 अक्टूबर को हमारी दुकान से खरीदी थी। सर दूसरे कस्टमर का नाम राजेश जी है, ये हमारे रेगुलर कस्टमर है सर, इन्होंने अपनी वाइफ के लिए खरीदी थी। राजेश, क्या उम्र क्या है? यही सर 40 साल के हैं। अच्छा, इनकी पूरी डिटेल्स चाहिए हमें। जी सर मिल जाएगा। और तीसरा? तीसरा ये 7 नवंबर को खरीदी थी, इनका नाम है मिस नताशा कुमार। नताशा कुमार? जी सर। ये पेमेंट कैसे किया था उन्होंने? सर इन्होंने कैश देकर लिया था, पूरे 2,20,000 रुपए दिए थे। 2,20,000 रुपए कैश? 2,20,000 की रिंग? नहीं सर, आपको कोई गलतफहमी हुई सर। जी नहीं, उस ज्वेलरी शॉप में हमने खुद जाके चेक किया है, नताशा ने ये खुद खरीदा है। और तो और कैश पैसे देके ये अंगूठी खरीदी गई है। लेकिन मैंने नताशा को कभी भी इतने कैश पैसे नहीं दिए। मुझे नहीं समझ आ रहा कि उसके पास आखिर इतने पैसे आए कहां से। सर क्या लाश हो तेरा, कितने बीच में रख दिया ये। पैसा गिरता रहता है, फाड़ दिया। कोई बात नहीं सर, मैं अभी अंदर डाल देता हूं। सर बिन बैग के अंदर पैसे। क्या ये सब है? इतने सारे पैसे नताशा के पास कहां से आए? और ये चाबी कैसे? चाबी के बारे में तो मुझे मालूम नहीं। इतने सारे पैसे नताशा के पास आए कहां से, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था। मिले तो आपके घर में ही है ना? नताशा के बारे में आपने क्या नोटिस किया था? कहाँ जाती थी, किससे मिलती थी? सर उसका ध्यान तो सारा पढ़ाई पर रहता था। हाँ अगर कॉलेज के बाहर कहीं जाती थी तो मनीष और अपने दोस्तों के साथ, और वो भी मुझे बताकर जाती थी सर। अच्छा ये दोस्तों और कॉलेज के अलावा? सर कोई पार्टीज, ड्रामा रिहर्सल या वो डांस प्रैक्टिस के लिए 2-3 हफ्तों से सोनाली और प्रियंका के घर यहाँ जाया करती थी। डांस प्रैक्टिस? और हमारे साथ? लेकिन हम तो कभी कोई डांस प्रैक्टिस नहीं किया करते थे। मुझे तो उसने ऐसे ही बताया था कि तुम लोग डांस की प्रैक्टिस वहीं करते हो। तो नताशा ने आपसे एक और झूठ बोला, कितने बजे जाती थी वो? वो रात को 9 बजे के आसपास जाती थी। 9 बजे? वेबकैम पर जो चैटिंग हो रही थी उसका वीडियो मिल गया है। लेकिन वीडियो चैटिंग तो रिकॉर्ड नहीं कर सकते, तो फिर कैसे? सर मैंने सारे फोन्स और लैपटॉप्स को फिर से चेक किया, जिसमें से सिद के लैपटॉप पर मुझे एक ऐसा सॉफ्टवेयर मिला जो डेस्कटॉप पर हो रही सारी एक्टिविटीज को रिकॉर्ड कर लेता है। सर ये एक खास तरह का सॉफ्टवेयर है जो स्पेशली गेम्स के लिए यूज होता है। सिद वीडियो चैटिंग से पहले गेम खेल रहा होगा, जिसकी वजह से ये सॉफ्टवेयर एक्टिव था। इसलिए जब वो वीडियो चैटिंग कर रहा था तो उसके डेस्कटॉप पर इस सॉफ्टवेयर के थ्रू सारी कॉन्वर्जेशन, सारी वीडियो चैट रिकॉर्ड हो गई। वेरी गुड, थैंक यू सर। नताशा सर बर्थडे है, बोर नहीं होना चाहिए,
कुछ प्लान करते हैं ना, चलो बाहर लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं। यार तेरे सारे प्लान रात को ही क्यों बनते हैं? गाइस मेरे पास एक आइडिया, कल ना हम सब गोवा चलते हैं। गाइस आई थिंक डैड आ गए हैं, तो 15 मिनट्स में बात करें प्लीज। बाय आना। बाय। क्या हुआ? किसकी आवाज थी? इसमें से जो भी है इससे हमें कोई फायदा नहीं है, कोई मदद नहीं मिल रही इससे। नताशा के फोन में कैब सर्विस की एप्लीकेशन मिली। कैब सर्विस? कुछ दिनों से वो अपने फोन से कैब बुक करती थी रात के 9 बजे के आसपास। 9 बजे? कितने बजे जाती थी वो डांस प्रैक्टिस के लिए? वो रात को 9 बजे के आसपास जाती थी। सर ये नताशा के डैडी बता रहे थे कि वो रात को 9 बजे कहीं जाया करती थी, डांस प्रैक्टिस बोल के जाती थी, झूठ बोलती थी सर। तो रितु कुछ पूछताछ की तुमने? पता लगा है वो कहाँ जाती थी रात को? हाँ सर, मैंने कैब सर्विस वाले से पता किया, वो कल्याण नगर जाती थी। सर कल्याण नगर में तो नताशा का कॉलेज भी है। नताशा 2 रात पहले यहाँ आई थी कॉलेज में, रात को सर याद करके देखो। अरे तुम सिक्योरिटी गार्ड हो, कुछ तो देखा होगा, कुछ तो नोटिस किया होगा। साहब नताशा यहाँ आई है कि नहीं आई है मुझे नहीं मालूम, लेकिन 2 रात पहले मैंने 3rd माले पे 2 टॉर्च की रोशनी देखी थी। ए कौन है वहाँ? कौन है? रुको। ये 3rd फ्लोर पे क्या है? 3rd फ्लोर पे कुछ क्लासेज हैं और केमिस्ट्री लैब है। केमिस्ट्री लैब? दिखाई दे रहा है ना कुछ? ताला लगा है, जरा खोलो। एक मिनट। पूरी वो चाबी देना जो नताशा के घर में से मिली थी। मतलब दया, केमिस्ट्री लैब की चाबी नताशा के पास भी थी। जरा लाइट लगाइए प्लीज। दया सर, नताशा का केमिस्ट्री लेबोरेटरी में क्या काम? रात को इसलिए आई होगी वो यहाँ पर। प्रोफेसर साहब। ये सर बताइए जरा क्यों आई होगी नताशा यहाँ पर? सर ये तो मैं बता नहीं सकता, पर हाँ पिछले कुछ दिनों से हमारी लैब से सोडियम ट्राइऑक्साइड और 2-3 और केमिकल गायब हो रहे हैं। गायब हो रहे थे कैसे? सर ये तो पता नहीं मुझे। इस केमिस्ट्री लैब की चाबी और किस किस के पास है? सर एक मेरे पास होती है और एक लैब असिस्टेंट के पास होती है। ऐसी क्या खास बात है इन 2 केमिकल्स में? पहली बात तो ये केमिकल्स मार्केट में अवेलेबल नहीं है, इन्हें मार्केट में बेचना गैरकानूनी होता है, मगर ब्लैक मार्केट में ये बहुत ऊंचे दाम में बिकते हैं। ऊंचे दाम में क्यों? क्योंकि इन केमिकल्स का इस्तेमाल नशीले ड्रग्स बनाने में किया जाता है। बीच बीच में शब्द गायब है, पढ़ेंगे कैसे? समझ में नहीं आ रहा क्या कहना क्या चाह रहा था ये कोई कोड वर्ड भी हो सकता है, बीच के अगर वर्ड मिल गए ना सब साफ हो जाएगा। पहला है सी और लास्ट है टी, तो सी और टी के बीच में चाहत। हाँ चाहत, चाहत में तेरे मगरूर हूं, बस एक टक चला रहा हूं। तेरे इंतजार का एहसास मुझे भी तरसा रहा है,
और इस एहसास में मैं भी तड़पते हुए चला जा रहा हूँ। देर से ही सही पर दुरुस्त आ रहा हूँ तेरे दामन की ख्वाहिश बाहों में लिए इन राहों में चला आ रहा हूँ। अच्छा अच्छा, तो कोड था आपने क्रैक कर दिया। वाह तारिका जी। कोई कोड वोड नहीं, बस एक शायरी थी, प्यार वाली शायरी। एक शायर ने शायद अपने महबूबा के लिए लिखी होगी। तुमने कभी तो लिखी होती ना, मैं भी पता चल जाता। बाद में सुनाऊंगा। इनकी शायरी सुन के लगता है, मेरा मतलब है सर, ये कविता पढ़ के मुझे ऐसा लगता है कि जिसने ये फूल और ये लेटर भेजा है उसे कविता लिखने का, शेरो शायरी का शौक होगा। पता लगाना पड़ेगा ये शायर है कौन, पर एक बात तो पक्की है कि ये शायर है तो नताशा की ही कॉलेज का। नताशा केमिकल चुरा दी थी, ड्रग्स की थी। सर मुझे लगता है मैं नताशा को भी जानता ही नहीं था। अच्छा, आप लोगों के कॉलेज में ऐसा कोई स्टूडेंट है या फिर आप लोगों का कोई दोस्त जिसे कविताएं लिखने का, शेरो शायरी का शौक? कविताएं? पर क्यों सर? वो इसीलिए, जो नताशा को धमकी देता था वो उसे कविताएं लिख के भेजता था। पर मैम कैसी कविताएं? एक मिनट। चाहत में तेरी मगरूर हूँ, बस एक टक चला आ रहा हूँ। तेरे इंतजार का एहसास मुझे भी तरसा रहा और इस एहसास में भी तड़पते हुए चला जा रहा। देर से ही सही पर दुरुस्त आ रहा, तेरे दामन की ख्वाहिशों को बाहों में लिए इन राहों में चला आ रहा। मैम ये कविता तो सुनी में सी लग रही है। सुनी हुई सी लग रही है? कहाँ पर सुनी थी? सर रोहित। सर फ्राइडे को तो हम लोग रिहर्सल्स करते हैं। सर मैं सच कह रहा हूँ सर, मैंने नताशा को नहीं मारा है सर। सर प्लीज सर, मैंने नहीं मारा नताशा को सर, प्लीज मेरा विश्वास कीजिए सर, मैंने नहीं मारा नताशा को। हाँ मैं उसे लाइक करता था सर, लेकिन मैंने उसे मारा नहीं है सर। कब से जानते थे नताशा को? सर कॉलेज में हम लोग एक साथ ही थे, लेकिन जब से हमारी प्ले की रिहर्सल शुरू हुई थी तब से उसे लाइक करने लगा था सर, और कुछ नहीं था सर। बैठो आराम से बैठ। अच्छा एक बात बताओ, क्या नताशा तुम्हें सिर्फ अच्छी लगती थी या और भी कुछ? प्यार करते थे ना उससे? क्यों? हाँ सर मैं उसे प्यार करता था, लेकिन सर मैंने उसे मारा नहीं है सर, मैंने सच में उसे नहीं मारा सर, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने नताशा को नहीं मारा। प्यार करते थे उससे? तो फिर उसे धमकी भरे ईमेल्स और मैसेजेस क्यों भेजे? सर मैंने अभी कभी कोई उसे धमकी नहीं दी सर, मैं सच कह रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने उसे कभी कोई धमकी नहीं दी, मैंने सिर्फ उसे हमेशा अपनी फीलिंग्स पर बताई। बकवास बंद कर, समझा? तूने जितने मैसेजेस भेजे ना नताशा को वो हमने सब पढ़े। सर मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कभी उसे कोई ऐसा मैसेज नहीं किया सर, जब से मुझे नताशा ने कहा कि वो मुझे लाइक नहीं करती तब से ना मैंने उसे कोई मैसेज किया ना कोई मेल किया सर। सिर्फ एक बार उसके बर्थडे पर मैंने उसको एक फूल और एक लेटर दिया था सर, और उस लेटर में मैंने वही शायरी लिखी थी। मैं सच कह रहा हूँ सर, मैं सच कह रहा हूँ। पियो पानी। तो फिर रोहित, अगर वो मैसेजेस तुमने नहीं भेजे तो फिर किसने भेजे? कोई और भी था जो मैसेजेस भेज रहा था? पता? मुझे नहीं पता सर, मुझे सच में नहीं पता सर, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। तो कोई और भी था जो नताशा को धमकी वाले मैसेजेस भेज रहा था? तुम नताशा का पीछा करते थे ना हमेशा,
तो तुमने उसके साथ किसी और को भी देखा कभी? हाँ सर, अभी कुछ दिन पहले जब रात को जब नताशा कॉलेज की तरफ जा रही थी तब मैंने उसका पीछा किया था। तब सर एक लड़के के साथ वो गाड़ी पकड़ जा रही थी सर, और मैंने कुछ नहीं देखा सर। कौन था वो लड़का? मनीष? नहीं सर, मनीष नहीं हो सकता क्योंकि मनीष टाउन में ही नहीं था सर, वो कोई और ही लड़का था सर। मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया सर अच्छे से। और एक प्रेमी, समझ में नहीं आता ये कितने राज लेकर घूम रही थी नताशा। ये रीमा है, फॉरेंसिक लिंग्विस्ट, भाषा की एक्सपर्ट। भाषा की फॉरेंसिक एक्सपर्ट? यस, लिखावट को एनालाइज करके लिखने वाले के बारे में काफी कुछ जाना जा सकता है, जैसे लिखने वाले की उम्र, वो लड़का है या लड़की, उसका व्यवहार, काफी कुछ। मैसेजेस अलग लोगों ने भेजा है। ये आपको कैसे पता चला? क्योंकि ये दोनों मैसेजेस में अलग अलग अल्फाबेट्स यूज किए गए हैं। ये देखिए, यहां पर आई डोंट नो फुल फॉर्म यूज किया है, और यहां ये देखिए आई डी के शॉर्ट फॉर्म यूज किया है, और अब यहां देखिए वाई ओ यू यूज किया है, और यहां पर यू केवल अल्फाबेट। ऐसे ही अब आप इन मैसेजेस को देखिए, यहां पर सॉफ्ट टोन यूज किया है, लेकिन यहां पर थ्रेट वाले टोन, पंक्चुएशन मार्क्स वगैरह सब इंडिकेट कर रहे हैं। और शायद मेरे ख्याल से ये थ्रेट वाले मैसेजेस एक लड़की ने भेजे हैं। अरे वाह, ये भी आपको पता चला, मगर कैसे? क्योंकि नॉर्मली लड़कियां ही शॉर्ट फॉर्म यूज करती हैं। देखिए, जैसे आई डी के आई डोंट नो का शॉर्ट फॉर्म, वाई ओ यू का केवल यू शॉर्ट फॉर्म, और यहां देखिए बी एफ एफ बेस्ट फ्रेंड्स फॉर एवर, ये सारे शॉर्ट फॉर्म्स हैं, और स्माइलीज, ये सारी एक लड़की के ट्रेट्स हैं। चलो मान लिया कि ये मैसेजेस किसी लड़की ने भेजे, तो फिर ये लड़की जरूर किसी को फंसा रही थी, ये जरूर रोहित को फंसा रही थी। ये लड़की उसे रोहित के नाम से मैसेजेस भेज रही थी, ये नताशा को वही भेज रही थी, पर क्यों? और हाँ एक बात और सर, हा? इस लड़की ने रोहित के सारे मैसेजेस पढ़े, तभी उसने रोहित के मैसेजेस लिखने का स्टाइल कॉपी कर लिया है। सर, सोनाली और प्रियंका ये नताशा के क्लोज फ्रेंड्स हैं, शायद उन्होंने ये सब। अगर वो दोनों भी तो नताशा के साथ चैट कर रहे थे, तो फिर ये लोग। एक मिनट, वो वीडियो जरा फिर से देखते हैं। नताशा सर, बर्थडे है, बोर नहीं होना चाहिए, कुछ प्लान करते ना। चलो वहां लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं। चलने को तो कभी भी चल जाएंगे, पहले बर्थडे गर्ल से पूछो बनना क्या उसे। गाइस आई थिंक डैड आ गया, तो 15 मिनट्स में बात करें प्लीज। बाय। ठीक है याना। बाय। एक मिनट पूरी, जरा वापस प्ले करो। कुछ प्लान करते हैं ना, चलो वहां लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं। चलने को तो कभी भी चल जाएंगे, पहले बर्थडे गर्ल से पूछो बनना क्या उसे। ये बात है, नताशा की खूनी का पता चल गया है, चल गया है पता नताशा की खूनी का।
और वो इस वक्त यहीं पर है। यहीं पर है मतलब सर? मतलब ये कि नताशा का खूनी तुम में से ही कोई एक है, तुम में से ही कोई। रोहित के अलावा और भी कोई था जो नताशा को धमकी भरे मैसेजेस भेजा करता था, रोहित को फंसाने की साजिश थी उसकी। सर कौन है वो लड़का? अभी बताता हूं। उसने रोहित के सारे मैसेजेस पढ़ लिए थे। वो कोई लड़का नहीं, लड़की है। सर मैंने कुछ नहीं किया। मैंने तो कभी उसके मैसेजेस चेक भी नहीं किए। सर उसने मुझे बताया था, ये सोनाली हमेशा उसके मैसेजेस चेक करती रहती थी। प्रियंका झूठ मत बोल। सर मैंने कोई मैसेज चेक नहीं किए और ये प्रियंका झूठ बोल रही है। मैंने कुछ नहीं पढ़ा है। हाँ धमकी भरे मैसेजेस मैंने ही किए थे, लेकिन मैं सच बोल रही हूँ, मैंने नताशा को नहीं मारा है। अगर तुमने उसे नहीं मारा है तो उसे मैसेजेस क्यों करती थी? वो एक्चुअली सिड नताशा को चाहता था और मैं सिड को चाहती हूँ, तो जिस तरह से मैं इमोशनली टॉर्चर हो रही थी, मैंने सोचा कि मैं नताशा को मेंटली टॉर्चर करूँ। बस इसके आगे मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ। तो मिस्टर सिद्ध क्या कहना चाहते हो इसके बारे में? मैंने कुछ नहीं किया सर, मैं तो उस तक घर पे था। तो फिर असली खूनी कौन है तुम में से, बताओ जल्दी। सर मुझे लगता है आप लोग हमें फंसा रहे हैं, क्योंकि आपको असली खूनी नहीं मिल रहा है। जब तुम में से कोई मानने को तैयार नहीं कि खून उसी ने किया है, तो फिर अब हम खूनी को सामने लाएंगे। हम खूनी को सामने लाएंगे। पर सर हम सब तो अपने घर पे थे, हम कैसे फोन कर सकते हैं नताशा को? खूनी ने नताशा के इस घर के एक हिस्से को अपने घर जैसा कुछ बना दिया और फिर वो इसी जगह से बैठ के वीडियो चैटिंग करता रहा आप सब से, ताकि लोगों को लगे कि वो अपने घर से बात कर रहा है। ये थोड़े ना पॉसिबल है सर। पॉसिबल है। अगर मैं यहाँ पे बैठ के वेबकैम पे किसी के साथ चैट कर रहा हूं तो कैमरे में सिर्फ उतना ही दिखेगा जितना कैमरा देख सकता है। सिंपल है, नताशा का घर है ये। अगर मैं नताशा के घर के इस दीवार को सीआईडी ब्यूरो जैसे कुछ बना दूं और यहां पे बैठ के वेबकैम पे किसी से बात करूं, तो सामने मैं जिससे बात कर रहा हूं उसको तो यही लगेगा कि मैं सीआईडी ब्यूरो से बात कर रहा हूं, जबकि हम लोग नताशा के घर पे हैं। खूनी ने भी यही किया। शुरुआत में हम लोग थोड़े कंफ्यूज थे ये सोचकर कि 5 मिनट में तुम में से कोई आकर नताशा का खून कैसे कर सकता है, क्योंकि हमें पता था कि तुम सब लोग नताशा के घर से 20-25 मिनट की दूरी पर रहते हो। लेकिन उस वक्त खूनी नताशा के घर में ही था। उसने किसी तरह से घर के अंदर बैठकर डोरबेल का साउंड बजाया, टिंग टोंग। घंटी सुनकर नताशा ऊपर से नीचे आ रही थी दरवाजा खोलने के लिए, और तभी खूनी ने उसका खून कर दिया और फिर वापस वेबकैम के सामने बैठ कर चैटिंग करने लगा। जब हमने दोबारा नताशा का घर चेक किया तो हमें वो कमरा मिला जो खूनी ने अपने घर के कमरे जैसे बनाया था। किसने किया ये सब? कौन है वो खूनी? किसने मेरी बेटी को खून किया? इसने। नहीं। जब हम तुम्हारे घर जा रहे थे तो तुम्हारे घर के बाहर मेट्रो कंस्ट्रक्शन के काम चलने की आवाज और ट्रैफिक की आवाज लगातार आ रही थी। हमने जब तुम लोगों के वो वीडियो चैट उसको ध्यान से देखा, तब जिस वीडियो में मनीष था उसके बैकग्राउंड में
मेट्रो कंस्ट्रक्शन की आवाज या ट्रैफिक की आवाज बिल्कुल नहीं थी। चलने को तो कभी भी चल जाएंगे, पहले बर्थडे गर्ल से पूछो करना क्या उसे। और वो सारी आवाजें वीडियो चैटिंग के वक्त इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि तुम चैटिंग कर रहे थे इस घर के अंदर से, नताशा के घर के अंदर से, अपने घर से नहीं। जब हमने नताशा के घर के बेसमेंट को चेक किया तो तुम्हारे घर के दीवार पे जो कपड़ा लगा था वो हमें वहां मिला। अब तुम खुद बताओगे कि तुमने ये सब क्यों किया या हम अपने तरीके से उगलवाएं। ये क्या बकवास कर रहे हो आप लोग। मुझे पता था कि नताशा और उसके डैडी घर पे नहीं है। मौका देख के मैं उसके घर घुसा है। नताशा के आने से पहले उसके घर के किसी कमरे में अपने घर का सेटअप बना कर रख दिया था और वहीं से सबके साथ वीडियो चैट कर रहा था। उसे मारने के बाद मैंने वहां से सारे सबूत मिटाए और घर चला गया। और फिर तुम अपने सभी दोस्तों के साथ मिलकर या नताशा के घर पे आ गए उसकी मौत पर आंसू बहाने के लिए। क्यों किया तुमने ऐसा? नताशा तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी? गर्लफ्रेंड थी, प्यार किसी और से करती थी, डबल गेम खेल रही थी मेरे साथ इस सिद्ध के वजह से। ओ, सिद्ध? तो तुम थे जिसके साथ नताशा कॉलेज जाती थी, केमिस्ट्री लैब, वो केमिकल चुराने। हाँ सो मैं नताशा के लिए कुछ भी कर सकता था। आई वाज इन लव विद हर। नताशा के साथ साथ तुझे भी मार देना चाहिए था। दोस्ती और प्यार के नाम पे धोखा दिया तुम दोनों ने मुझे। तुम दोनों को कड़ी से कड़ी सजा होगी। मनीष तुम्हें खून के लिए और सिद्ध तुम्हें ड्रग्स के लिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज।